जैसे राहु का जो वर्ष है, चार का अंक है ना, उन लोगों को सफल करता है जो लीक से हटके कार्य करते, कुछ नया करते हैं, कुछ डिफरेंट करते हैं। तो ये राहु का स्वभाव है, वो उन लोगों को सफल करता है, सपोर्ट करता है। अगर आप सफल होना चाहते हैं, अगर मैं रंगों की बात करूं तो ब्लू रंग का अगर आप उपयोग करते हैं, इलेक्ट्रिक ब्लू कलर का, तो आपके सफलता के चांसेस, भाग्य में वृद्धि होगी। अगर आप पुराने अपने संबंधों से, अगर आप उनसे बचकर, उन संबंधों को छोड़कर नए संबंधों की ओर बढ़ते हैं, या नया कुछ अपने संबंधों को नया रंग रूप देते हैं, तो आप काफ़ी सफल हो सकते हैं। इसके अलावा अपनी पुरानी जो भी बातें हैं उनको छोड़कर कुछ नया डिफरेंट लीक से हटके करते हैं तो सफल हो सकते हैं। व्यापार व्यवसाय में आप कुछ नया करते हैं, लीक से हटके करते हैं तो सफल हो सकते हैं। आप अगर संतान मोह से अपने आप को बचा पाते हैं तो सफल। संतान मोह कई बार हमारे निर्णयों को प्रभावित करता है और हमें घिसे पीटे निर्णय लेने पर मजबूर करता है। तो संतान मोह से अगर आप बचते हैं अपने व्यापार में, व्यवसाय में, पारिवारिक निर्णयों में, तो आप बहुत बेहतर निर्णय ले पाएंगे। तो इस प्रकार आप अपने भाग्य में वृद्धि कर सकते हैं। धन का दान, धन के दान करने से आपका जो पैसा है काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर उसको आप व्यवस्थित करते हैं, आप हेल्प करते हैं किसी आपके फ्रेंड की, मित्र की, रिश्तेदार की, आपके सहयोगी की, या आपके व्यवसाय में पैसे के लेन देन में आप पारदर्शिता अनुभव करते हैं, तो आप जरूर सफल होंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों, छोटे से उपाय करने से आप सफल हो सकते हैं और बेहतर 2020 में आप बेहतर अपने जीवन को एक बेहतर दिशा की ओर ले जा सकते हैं और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। जो धन का जो दान है, जो पैसा है, वो इंसान काफ़ी मेहनत से कमाता है, पर कई बार ये जो पैसा आता है कई डिफरेंट सोर्सेस से आता है, तो ये हो सकता है कई नेगेटिव सोर्सेस से आया है या हमारे द्वारा गलत तरीके से कमाया हुआ है। तो इसके दान करने से या ये सही जगह पर पहुंच जाए तो काफ़ी हमें जो राहु के जो प्रभाव है, जो हमें परेशान करते हैं संतानों पक्ष के संबंध में, स्वास्थ्य के पक्ष में या व्यवसाय क्षेत्र में, उससे मुक्ति पा सकते हैं। अब रही बात कि धन का दान कहाँ करें, तो धन का दान अगर हम कई बार हम धार्मिक संस्थानों में करते हैं, या कई बार हम इस तरीके से जो संस्थान एनजीओज में करते हैं, पर कई बार ये सिर्फ हमारी मान प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला होता है। पर इस प्रकार का दान कई बार लोगों तक, वास्तविक लोगों तक पहुंच नहीं पाता है। ये आप ध्यान रखें कि हमारे आसपास जो ज़रूरतमंद है, हमारे मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, काफ़ी लोग हैं जो जिनकी आप मदद कर सकते हैं। तो अगर मेरा ऐसा निवेदन है कि अगर आप अपने मित्रों का या अपने रिश्तेदारों को या आपके जो गुरु है, कंसल्टेंट है, उनको अगर ये दान करते हैं तो ज़्यादा बेहतर आपको ये परिणाम देगा। बनीबस्त धार्मिक संस्थान है, या जो कई बार हम भिखारियों को दान करके हम काफ़ी कोशिश, हम महसूस करते हैं कि हम काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, पर ये व्यवसाय बन चुके हैं समाज में आजकल। ये व्यवसाय, इन्होंने इन ये सब चीज़ व्यवसाय का रूप ले चुके हैं, इसलिए इनको दिया हुआ दान कई बार वो फल नहीं दे पाता है। और अब सिर्फ आप आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए इस प्रकार का दान करते हैं, तो इसलिए बेहतर है जरूरतमंद व्यक्ति, अपने मित्र, रिश्तेदार, गुरु या कंसल्टेंट को आप अगर दान करें तो ये आपको निश्चित तौर पर आपके लिए बेहतर रहेगा और राहु की जो परेशानी आपके साथ डेवलप होने वाली है उनसे आपको बचाएगा। निश्चित तौर पर दान का महत्व तभी है जब ये गुप्त है। अगर इसका, अगर ये दान के बारे में जो कहा गया है कि अगर हम अपने सीधे हाथ से अगर दान कर रहे हैं तो बाएं हाथ को भी पता नहीं होना चाहिए कि हमने दान करा है। रही बात प्रतिशत की, तो हमारी इनकम का कम से कम 3% और अधिक से अधिक 10% हमें दान करना चाहिए। ये काफ़ी पुराने धर्म ग्रंथों में भी इसके बारे में काफ़ी विवेचना की है और लिखा हुआ है। 3% से 10% आपकी कमाई का आपको दान करना चाहिए और ये गुप्त ही होना चाहिए। अगर आप दाएं हाथ से अगर दान कर रहे हैं तो बाएं हाथ को भी नहीं पता होना चाहिए।